करने के लिए, यहां की जनता की पीड़ा में सहभागी बनने के लिए अनेक अवसरों पर मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ। बाढ़ के समय में भी आया था, उससे पहले भी आया था और कई आंदोलनों में इस क्षेत्र में, कई जनजागरण कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर मुझे इस क्षेत्र में प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, वास्तव में 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत को सम्मान देने का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की स्थिति को मजबूत प्रदान करने का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विकास के बड़े बड़ी परियोजनाओं को लेकर के आने का हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को देने की कार्रवाई जिस तत्परता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हुआ है, वो अभूतपूर्व है। और पूरे देश के अंदर मोदी जी की उपलब्धियों के बल पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब की दीवारें धड़कती भी दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस, सपा बसपा के लोग अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए अब अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर भी उतारू हो गए हैं। हमें आश्चर्य होता है आज मोदी जी की जाति पूछी जा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 वर्ष में मोदी जी ने मकान दिए, शौचालय दिए, विद्युत के और रसोई गैस के कनेक्शन दिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था की, हर गरीब को 5,00,000 रुपये की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी की जाति पूछी थी क्या? ये जितनी योजनाएं मिली, ये योजनाएं किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब देख करके दी गई थी या गरीब को ध्यान में रख करके दी गई, जरूरतमंद को ध्यान में रख करके दी गई? ये योजनाएं देश की जरूरत के हिसाब से देश के नागरिकों को देने का कार्य किया। और मोदी जी ने चुनाव के पहले जो कहा था सबका साथ और सबका विकास, आज उनकी योजनाओं में दिखता है सबका साथ और सबका विकास। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन प्रश्न ये कि सपा और बसपा से भी पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि 55 वर्षों तक देश में शासन किए हो, कितने गरीबों को मकान दिए हो, थोड़ा ये तो बताओ। प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दिलाया, 4 करोड़ गरीबों को रसोई, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिलाए, 7 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन दिलाए, 9.5 करोड़ गरीबों को शौचालय दिलाया, 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये सालाना देने की व्यवस्था कराई, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया, 37 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए और 50 करोड़ गरीबों को 5,00,000 रुपये की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा देने का कार्य अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन कांग्रेस से हम पूछते हैं, कांग्रेस ने 55 वर्षों में कितने लोगों को मकान दिया, कितने को शौचालय दिया, कितने को विद्युत का कनेक्शन दिया, कितने को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, कितने लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई? ये तो बताते हैं ये लोग भी, इनके पास कार्य का कोई लेखा जोखा नहीं, क्योंकि जब लेखा जोखा तब होता जब इन्होंने कार्य किया होता। सपा बसपा की सरकारें भी प्रदेश में थी, 20-20 वर्ष तक शासन किए, गरीब को मकान नहीं दे पाए, गरीब को कनेक्शन नहीं दे पाए, गरीब को शौचालय नहीं दे पाए,
भाइयों बहनों, इस समय गेहूं क्रय चल रहा होगा। याद करिए, सपा और बसपा की सरकार में किसान को 600 से लेकर 900 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का दाम मिलता था, और आज आप किसी क्रय केंद्र में एक क्विंटल गेहूं लेकर के जाएंगे, वहां पर गेहूं की तुलवाई होगी, पर्ची मिलेगी। तो आपने देखा जिस तरीके से महाराजगंज में रैली को, माफ कीजिएगा, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, साफ